हमास और इसराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग में बहुत से फेक वीडियोस और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस रियल बताए जा रहे हैं तो कुछ फेक बताए जा रहे हैं। हमास ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे इसराइल के 7 शहरों पर करीब 5,000 रॉकेट दागे थे। इस हमले के बाद इसराइल ने जंग का ऐलान करते हुए हमास के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन की घोषणा कर दी। साथ ही अब इस ऑपरेशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में बिल्डिंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हमास के खिलाफ जारी ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन का है, लेकिन ये आपको बता दें कि ये वीडियो की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो यूरो न्यूज की वेबसाइट पर 13 मई 2023 को पोस्ट किया गया था। ये वीडियो उत्तरी गाजा का है, जब इसराइल में फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन के कमांडर मोहम्मद अबू अल अत्ता के एक अपार्टमेंट पर बमबारी की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वायरल वीडियो के साथ किए जा रहा ये दावा कि ये वीडियो हमास और इसराइल के बीच हो रहे युद्ध का है, जो पूरी तरह से गलत है। ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि करीब 5 महीने पुराना है। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन के नाम से एक और दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इस दूसरे वीडियो में एक बिल्डिंग को धराशायी होते देखा जा सकता है। ये वीडियो भी इसी युद्ध का बताया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ये वीडियो अल जजीरा न्यूज के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर 13 मई को शेयर किया गया था।